लॉकअप में हुआ पहला नॉमिनेशन। कौन से चार कैदी हो गए हैं नॉमिनेट? आखिर क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। वेल, रियलिटी शो लॉकअप कल ही हुआ है लॉन्च और रात से ही शुरू हुआ उसका लाइव फीड। लाइव फीड में कल देर रात हुआ नॉमिनेशन, जहां जेलर ने सबसे नाम लेने के लिए कहे दो जो उनके हिसाब से प्रायश्चित के लायक नहीं है। यहां तहसीन ने लिया मुनव्वर का नाम, शिवम ने लिया सिद्धार्थ और मुनव्वर का नाम, सिद्धार्थ ने शिवम और स्वामी जी का नाम लिया, पायल ने स्वामी जी और बबीता का नाम लिया, स्वामी ने यहाँ सिद्धार्थ और शिवम का नाम लिया, मुनव्वर ने स्वामी और शिवम का, सायशा ने यहाँ सिद्धार्थ और करणवीर बोहरा का नाम लिया, निशा ने अंजलि और सिद्धार्थ का नाम लिया, बबीता ने स्वामी जी और अंजलि का, और आखिर में करणवीर ने भी सिद्धार्थ और अंजलि का नाम लिया। यानी कि यहाँ शिवम सिद्धार्थ का नाम सबसे ज्यादा आया है। आपको बता दें उनके बीच झगड़ा हुआ था जिस वजह से उनका नाम सबसे ज्यादा आया है। यानी कि कुल मिलाकर सिद्धार्थ, स्वामी जी, अंजलि और शिवम का नाम सबसे ज्यादा लोगों ने लिया है। लेकिन जैसे कहा गया कि दो नाम देने हैं तो शायद हो सकता है कि दो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो या दोनों ही बेघर हो जाएं। लॉकअप में कैसे होते हैं एविक्शंस, ये देखना अभी बाकी है। पहले इस अपडेट पर क्या है आप सभी का कहना, ये कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।